नाटक को लाजमी उसको मॉडिफाई करो, उस नाटक के ट्रेंड्स करो, उस नाटक को रैप करो। तो जी बॉयज, हम लोग पहुंच गए हैं एटीडी स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, तो क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके भाई ने आपसे पिछले व्लॉग में, पिछली वीडियो में वादा किया था, और वादा तो किया था नहीं किया था, लेकिन कहा था कि सोनाटा के टेंट्स जो हैं वो हमने कराने हैं, इसको ज़रा मर्डर्ड आउट लुक देनी है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कॉमेंट्स किया यार सोनाटा को लाजमी तैयार करो, सोनाटा को लाजमी उसको मॉडिफाई करो, सोनाटा के टेंट्स करो, सोनाटा को रैप करो। आप लोगों ने कॉमेंट्स में बहुत से आइडियाज़ दिए कि सोनाटा को ये करो वो करो, मैसेजेस आए मुझे इंस्टा पे। तो मैंने कहा क्यों ना नेक्स्ट वीडियो हो ही जाए फिर सोनाटा पे। तो आज का सीन ये है कि आज हम अपनी सोनाटा नहीं बल्कि सोनाडो को, हम इसके जो एक तो ग्रिल है इसको ब्लैक हमने रैप किया हुआ था, लेकिन पेपर हो चुका है काफ़ी पुराना। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये देख सकते हो इस तरह एडजस्ट से, यहाँ से देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो ये चीज़ ना मज़े की नहीं लगती। ऊपर से ये देखो यार, ये मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता था हुंडई से कि ऐसा सीन होगा, क्योंकि आज तक मेरी सिविक के ओरिजिनल लोगोस पे नहीं आया, इस पे रिवो पे आ जाता है, रिवोस के लोगों पे आता है, टोयोटा ग्रैंडी सब के लोगोस पे आता है, लेकिन ये कंप्लेंट मुझे आज तक सिविक से नहीं आई, लेकिन हुंडई में ये है कंप्लेंट। लेकिन देखते हैं इसको साफ़ करवाएंगे आज, देखेंगे जो भी सीन है। दूसरी बात पर आ जाए तो इसके हमने रिम्स को भी ब्लैक करना है, तो रिम्स वाला सीन भी बड़ा पप्पू बड़ा मज़ेदार किस्म का हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो फ्रंट डेंट है वो हम सोच रहे हैं एक यूनिक वैरायटी दिखाएं, जो मोस्टली एस क्लास वगैरह में आती है। अभी भी थोड़ी लग्जरी गाड़ी तो है ना, इतना तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके जो फ्रंट डेंट है ना उसको थोड़ा पर्पलिश, ये भी जाकर डिसाइड करना, कुछ कन्फर्म नहीं है, वहाँ जाकर भाई से डिस्कस करते हैं कि इसके फ्रंट डेंट को हम थोड़ा पर्पल शेड दें, जो S400 वगैरह में अक्सर कंपनी से आता है, और साइड हम इसकी ब्लैक कर देंगे। बैक जो है वो इसकी ऑलरेडी ही ब्लैक है 100%, ठीक है। और सारी ये क्रोम ट्रिम्स हैं, इनको भी ज़रा ओके करके फुल जो है ना मर्डर्ड आउट लुक दे देंगे गाड़ी को। तो बस अभी निकलते हैं, अमन को पिक करना है, उज़ैर को पिक करना है, पिक करते हैं और जाना है हमने आज अटेंशन टू डिटेल की तरफ से, जहाँ से हमने अपनी सिविक जो है इस पर, जब हमारा वो वैलेंटाइंस डे वाला पिछला व्लॉग था तो हमने इसको ज़रा कोटिंग शूटिंग करवाई थी, सफाई करवाई थी, वहीं जाना है उनके पास और जाके आज सोनाटा के सोनाडो के काम कराने हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं, बॉयज़ को पिक करते हैं और पहुँचते हैं सीधा DHA। चलो जी बॉयज़ यार निकले हैं। एक अंदर मैट हमारा बाहर रह गया होता तो मैं क्या वो भी डाल लें, इसको ज़रा साफ़ सुथ करवा ही लेंगे। चलो जी, एक तो लॉक हो जाती है ना। आजो जी आजो। चलो जी मैट भी आ गया, वो बड़ा खरीदीला मैट है। चलो जी मैट शर्ट बिछा लिया है, वेलकम चेक करना यार, क्या बात है हुंडई की, ये जो बात है ना ये पैसे पूरे करा देती है सोनाटा के। चलो जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? वीकेंड वाले दिन भी सुबह को रेडी निकले, चलो उज़ैर को पिक करें, चल के फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? A few inches later. तो जी बॉयज़ हम लोग पहुंच गए हैं ATD स्टूडियोज़, बाकी गाड़ी लगाते हैं और जाके आपको चेक कराते हैं, काम से हम स्टार्ट करवाते हैं इसका। सबसे पहले लोगों की सफाई होने लगी, इसके आप अभी कंडीशन देखा, आपको पहले भी चेक कराई थी, इसका जितना भी रस्ट वगैरह है वो यहाँ से क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको ये तो होता है फिर आपको चेक कराते हैं, बाकी जो गाड़ी है वॉश होगी फिर उसको अंदर लगा के सारा इसका काम से हम स्टार्ट करवाते हैं। ये नई फाइनल लुक स्केलिंग के बाद वो बिल्कुल जो है इसका क्रोम जो है ना सारा रीस्टोर हो चुका हुआ है, बाकी बैक का क्रोम हमारा ओके था, ये जो है ये बिल्कुल रीस्टोर हो गया, बाकी अब वॉश कराने लगी गाड़ी से, आपको चेक कराते हैं। सोनाडो अपनी वॉश होके आ गई है, पर इसको लगाते हैं और जो इसके रिम शिम्स का काम है सारा स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कराते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, सबसे पहले मेरे ख्याल से टेंट्स होंगे, उसके बाद जो है ना बाकी काम फिर इसका होगा। अभी यहाँ पे गाड़ी लग रही है, उसके बाद फिर आपको चेक कराते हैं कि इसका मेन काम पहला क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ये जी बॉयज़ फ्रंट पे हम 25% टेंट लगवा रहे हैं, साइड इसकी 50% हो जाएंगी, ब्लैक जो बैक है इसकी वो वैसे ही 100 है, तो अभी ये ज़रा कटिंग शटिंग होकर अंदर लगता है और लुक बड़े मज़े की आ रही है, ब्लैक से तो लुक पूरी चेंज हो गई गाड़ी की। हाँ बाकी है कि एक दफ़ा ज़रा इसका लगता है फिर आपको चेक कराते हैं और शायद हम इसका लोगो भी करवा लें, और ये नीचे वाला जो ट्रिम्स है इसके जा सके, ये क्रोम बाहर आया हुआ है इसको भी ओके करवाना है, तो लोगों को देखते हैं अगर लोगो अच्छा लगा ब्लैक तो उसको भी कर देंगे, वरना इसको क्रोम में ही रखेंगे। इसका नीचे का जो क्रोम का जहाँ पे रैप हुआ था वो उतारा है, तो इस पर भी हल्का हल्का जंग है,
हल्का जंग भी है और हल्का की इसकी गम भी है पेपर की। ये देख लो, ये भी जंग है हल्का हल्का, ये पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे भी रैप होगा। तो बॉयज यार जो फ्रंट का टेंट है वो हो चुका है और आप चेक कर सकते हो कितने मज़े की लुक आ रही है फ्रंट की। और मेरे नहीं ख्याल से कि बबल है, अगर हुआ भी तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अब आप देख रहे हो रिम्स पे जो है ना, यहाँ पे ब्लैक रैप स्टार्ट कर दिया। ये एक दफ़ा यहाँ पे ग्रिप करवा के पक्का करके इसको इसके अंदर से कटिंग होगी और उसके बाद जो है ना पेपर पूरा बैठ जाएगा। इसी तरह रिम्स होते हैं, ये साइड्स होनी है, काम बड़ा स्पीड हो रहा है। और यहाँ से बस अभी ये फ्रंट का आपको अंदर से भी दिखा देते हैं क्या व्यू है। ये देख लो, ये फिर फ़ायदा ना स्पेक्ट्रम का सोलर का कि आपको अंदर से फुल क्लियर नज़र आता है और बाहर से आप देखो फुल ब्लैक हुआ है। सो फिर यहाँ से ये है इसका फ़ायदा। बाकी ये चेक करें जी। हाँ भैया जैर, क्या चल रहा है? VIP शेरा जी यार माशाल्लाह, रिम कितने मज़े का हो गया, ब्लैक रैप होके बेहतरीन रिम हो गया। बाकी ये है कि ये जो इसके ट्रिम्स हैं क्रोम वाले, ये भी कर रहे हैं हैंडल्स, ये इस तरह भी सही है, देखेंगे बाद में करा लेंगे अगर हुआ सही। और बाकी ये है कि बैक पे जो है यहाँ पे साइड पर टेंट्स भी लग गए हैं। अभी आपको चेक कराते हैं मज़ीद ये रिम्स बाकी भी हो जाए एक दफ़ा, फिर आपको कंप्लीट लुक चेक करवाते हैं। अभी ये साइडों में भी लग रहा है टेंट, और ये जो क्रोम ट्रिम्स आ रहे हैं यहाँ तक वो भी हो जाएंगे। लो यार फाइनली जो गाड़ी है अपनी सोनाडो वो हो चुकी है ब्लैक, पूरी मर्डर आउट हो चुकी है। और इस वक्त गाड़ी के टायर से पॉलिश भी लगा दी है। रिम्स यार बड़े हैवी लग रहे हैं, थोड़ा सा काम रह गया सिर्फ। अब मैंने जोरी साहब को कहा था ये करवा लो, लेकिन खुलवाना पड़ेगा, ये खुलवाना पड़ेगा। तो इसका हल ये है कि हम इसको ना कवर शायद लगा दें। गाड़ी फुल ब्लैक आउट, फुल ब्लैक आउट हो गई। हाँ, और रिम्स ऐसा लग रहा है कि रिम्स चेंज कर दी है, क्योंकि वो लुक ही रिम्स की चेंज हो गई हुई है। और बाकी अगर फ्रंट की लुक आ रही है एन लाइन वाली, वो बम्पर की कमी है, अगर बम्पर एन लाइन का हो जाए ना तो उससे बड़ा फर्क आ जाएगा। और बाकी ये जो लाइट्स है ना, सुनो बताएं कि एनलाइन का बम्पर डाले या ना, मैं तो कह रहा हूं जोहेब साहब को। हाँ, एनलाइन का बम्पर देखते हैं, कमेंट्स पे डिपेंड करता है, अगर ज्यादा आए तो फिर इंशाल्लाह एनलाइन का बम्पर कर देंगे। अभी इसी को कर दिया ब्लैक तो वो काफी हद तक एनलाइन की लुक दे ही रहा है। और साथ दूसरी बात पर ये भी हो गए हुए हैं। बाकी अंदर से आपको चेक करा देते हैं एक दफ़ा के क्या सीन है। ये चेक करें, स्पेशल वर्जन मैट्स आ गए हमारे पास, और साथ ही अंदर से भी अच्छा खासा ना विजिबिलिटी है टेंट्स में, क्योंकि स्पेक्ट्रम है तो विजन वगैरह ब्लॉक नहीं कर रहे। और क्या काम कराया, और बैक का लोगो भी है, बैक लोगो करवा लिया। हाँ, बाकी ये नाम जो है ना सोनाटा, ये हमारे दिल तक अभी ब्लैक हो जाए तो उतर जाते हो जाए। बेसिकली जो लोगो है ना वो हमने करा लिया है, लेकिन जो ये इसके ये है ना, ये वाले जिस इस पे ये शार्प बड़े हैं, जब से कपड़ा मारेंगे तो यहाँ पे जो भी रैप हुआ होगा ना वो उतर जाएगा, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। शायद इस पर से भी उतर जाए, लेकिन हमने भी ये तैतन करवा लिया ताकि लुक अच्छी आ जाए। तो अभी देखते हैं इनको कोई और हल करें, शायद हमें ब्लैक लोगोज ही मिल जाए इसके। और साथ ही हैंडल्स का भी कुछ करना है, शायद इनको भी ब्लैक कर दें अभी। तो बाकी भी आपको यहाँ पे शॉर्ट्स चेक कराते हैं, आप लोग शॉर्ट्स एंजॉय करें, फिर आपको चेक कराते हैं क्या सीन है आगे। जी आपने जितने भी शॉट्स हैं सोनाडो के वो एंजॉय किए होंगे। बाकी ये भी आपको अनस भाई से मिलाते हैं। अनस भाई का बेसिकली स्टूडियो हमारे LSC के दोस्त भी हैं, और वैसे भी बड़े बड़े जगहों पे हम लोग साथ गए हैं। बाकी ये है कि इन्होंने अभी फिलहाल तो जो बताया है कि रिम्स ब्लैक हो गए हैं, क्रोम ट्रिम सारे डिलीट हो गए हैं, टिंट्स हो गए हैं। तो अभी हमने फिलहाल यही काम कराए, क्योंकि अभी हमारा कोई PPF से ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये लोग यहाँ पे PPF भी करते हैं। तो कौन कौन सी यार वैरायटी, क्या सीन है हमारे पास इस वक्त PPF में, जो इस वक्त टॉप नॉच चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और हमारे पास सारे ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टोपाज हो गया, स्पार्टन्स हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्हीं ब्रांड्स से हम ऑफिशियल सेल पार्टनर्स हैं, ठीक है। और मैं जैसे कि अपनी वीडियोस में भी लोगों को बताता हूँ कि यार हमेशा ऑथेंटिक प्रोडक्ट की तरफ जाए, और हमारा मेन फोकस यही है कि हम अपने क्लाइंट को क्वालिटी वर्क दें ओवर क्वांटिटी वर्क। मतलब बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे वो लोग क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, हमारा इसमें मेन क्वालिटी इसमें ना इसमें मैटर बहुत करती है। क्वालिटी अगर आ रही है तो वो बड़ा मेन सही बात है, हर भी काम कर रहे हैं, मेन फोकस होना चाहिए क्वालिटी पे। और अल्लाह का शुक्र है हम अभी तक लोगों को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह काम तो बड़ा अच्छा फिनिशिंग में हुआ है। बाकी दो टोपाज में क्या फर्क है, ये मैंने भी पूछना, मुझे समझ नहीं आई इसकी। यार एक अल्टीमेट है और एक लक्स प्लस है, और इनमें बेसिकली जो फर्क होता है वो होता है थिकनेस का, माइक्रोन का। जितना ज्यादा PPF थिक होगा उतनी ही उसकी बेहतर तरीके से वो आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट सेल फील भी अच्छा करेगा, सेल फील भी अच्छा करेगा। और हमारे पास जितने भी ये PPF है ये इसके अंदर एशलेन ग्लू इस्तेमाल हो रही है, जर्मनी की ग्लू है, और मतलब मार्केट में सब टॉप, मतलब जब भी वो उतारेंगे निशान नहीं आएंगे ना, निशान आपकी गाड़ी पे मतलब आ सकते हैं, और ना ही आपका पेंट उतरेगा। और एंटी येलो है हमारा PPF, मतलब
फोर ईयर्स की लाइफ है, सिक्स ईयर्स की लाइफ है, फोर ईयर की वारंटी है, तो तब तक मतलब ना आपकी गाड़ी पीली होगी, कोई मतलब कोई इस तरह का इशू। और जैसे अल्लाह ना करे इशू आ भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग बता देते हैं कि हमारी इतनी वारंटी है, लेकिन हम एक रिटन वारंटी दे रहे हैं, वारंटी कार्ड्स दे रहे हैं ताकि मतलब कस्टमर एक तरह से सेटिस्फाइड रहे कि जब भी अल्लाह ना करे गाड़ी में वैसे तो इशू आता नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिप्लेस हो जाएगा। और ये स्पार्टन्स का अलग है कोई? ये एक डिफरेंट कंपनी है। अच्छा अच्छा। आज एक डिफरेंट कंपनी है, यूके का ब्रांड है, जर्मनी है, ठीक है। और उसके अंदर बाकी हमारे पास यहाँ पे डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग की भी सर्विसेज अवेलेबल है, और टेंट्स वगैरह, रैपिंग, मतलब डिटेलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो आप यहाँ करवा सकते हो, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, हर तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ना आके करवा सकते हो। बाकी हमने इस सही रैप शैप कराया, इस तरह के छोटे मोटे काम भी सारे हो जाते हैं यहाँ पे। तो बाकी यह है कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स वगैरह मैंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, और स्क्रीन पर भी नंबर वगैरह शो हो जाएंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी गाड़ी की जो भी बुकिंग शुकिंग है वो करवा सकते हो। ओके अनस भाई, फिर चला होती मुलाकात। ओके करें, ओके ओके ओके, लाफेज़। ओके जी, इंशाल्लाह होती मुलाकात। ओके अल्लाह हाफिज़। उज़ैर भाई तो पहले निकल गए थे, उज़ैर भाई वहीं से उबर करा के, हां उसको भी काम पड़ गया था, वहां निकल गया था भाई साहब की सुबह शादी है, बनता भी है। हाँ ये तो है। चलो ओके सर। ओके ओके, चलो होती मुलाकात, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो जी बॉयस, निकले आपके भाई, आगे काम भी जाना है तो घर पहुंचे पहले, फिर वहां से आगे काम भी निकलना है। The next day. तो बॉयस यार, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, आपका भाई कल सोनाटा को पप्पू किस्म का करा के आ गया था, और नेक्स्ट डे तो खैर नहीं, नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे पे हम आ गए हैं। और आपको इस वक्त चेक कराते हैं सोनाटा की लुक्स, हमारी सोनाडो जो है वो इस वक्त सजी हुई है, कल रात को ज़ैर की बारात थी, आज वलीमा वाला सीन भी है, तो आपको तो चेक कराते हैं। खैर ये जो फूल है ना ये पूरे आगे तक लगे हुए थे, हमने रिंग रोड पर उड़ा दी है, लेकिन मैंने कहा आपको एक दफ़ा यार इसकी दिन के टाइम जो अग्रेसिव लुक है ना वो चेक करा दूं यार, माशाल्लाह चेक करो कितनी अग्रेसिव, ये ब्लैक लोगो, ये मेरा मूड नहीं था, ये अमन ने मुझे कहा कि भाई लोगो भी ब्लैक कर दे, लेकिन यार माशाल्लाह वर्थ इट लग रहा है। बाकी फ्रंट की लुक, लाइट स्मोक भी पैसे पूरे करा रही हैं, लाइट स्मोक का एक इशू आ रहा है कि लाइट बहुत कम होगी गाड़ी की। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, अभी तक जो मैंने किया है स्कारलेट की भी अपनी जो लाइट्स है ना स्मोक नहीं हुई है, अभी इतनी ज़्यादा स्मोक इसलिए लग रही है क्योंकि अंदर से सारा क्रोम है, उसकी लाइट अंदर से वैसी ब्लैक होती है, उस पर उतना ही पेपर इस पर लगा हुआ है, उतना ही इस पर लगा हुआ है, तो ये कम स्मोक फील कराती हैं वो ज़्यादा करा रही हैं। अब एक स्मोक का आपको नेगेटिव पॉइंट बता दूँ, टेंट से आपका कभी भी विजन जो है ना, अगर आपने 25 लगाया हुआ है, अगर 100 लगा लोगे टेंट तो वैसे ही ना आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, अगर आपने 25 लगाया हुआ है तो टेंट से कभी भी आपका विजन जो है ना लाइट के थ्रू कम नहीं होती, लाइट के थ्रू कम होती है आपके ये लाइट स्मोक से। अब उसकी लाइट इससे जो है ना, इससे तो कई तेज़ है, लेकिन उसकी लाइट भी बिल्कुल इसके बराबर होगी ये जब से ये जिसका स्मोक कराया है, लेकिन कुछ नहीं होता, लुक के लिए करा लिए, दो दिन बाद उतार देंगे। बाकी कमेंट्स में बताओ कि यार दिन के टाइम लुक कैसी लग रही है, साइड मिरर्स भी ब्लैक चेक करो, ऊपर से रिम्स यार हुए क्या रिम्स लग रहे हैं, लग रहा है चेंज कर दिए रिम्स। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दो कमेंट्स में। और अभी आपका भाई निकल रहा है स्कारलेट में, अगर स्कारलेट की बात पे आ जाएँ तो स्कारलेट में ना हमने जो कॉयल्स है इसके प्लग्स तो नहीं डाले थे, और कॉयल्स आपको भाई को याद नहीं था कि कॉयल्स किसी और गाड़ी की मैक्स पावर पे जो आई हुई थी उसकी डली हुई थी गाड़ी में, आपका भाई इंजॉय कर रहा है, कॉयल्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उस मामले की कॉल है कि यार कॉयल्स वापस कर दो मुझे, मैंने उसकी गाड़ी क्लियर करनी है, तो कॉयल्स वापस की, इसकी नई बिलालगंज से कॉयल्स मंगवा कर डाली है, लेकिन इसने वैसे तो बैरियर में चेक चुक किया, सही परफॉर्म किया, लेकिन जब इसको हम ट्रैक पर लेके गए हैं तो गाड़ी ना कहीं पर पावर हाई एंड पर मतलब गेन कर रही थी, कहीं पर लूज़ कर रही थी, मतलब ना बड़ा मिक्स एंड मैच चल रहा था, तो मैं इसको उसके ट्रैक के भी 3-4 दिन के बाद अब निकाल रहा हूँ, तो इसको निकाल के देखते हैं कि क्या सीन है, आज भी वैसे करती है कि नहीं करती है, करती है तो उसका मतलब है कि कॉइल्स में इनमें इशू है, फिर तो उस्मान भाई इनको वापस भेजेंगे, नहीं मंगवाएंगे, तो खैर वो सीन भी चेक कर लेते हैं आज, इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, जाके इसको वॉश भी कराते हैं डी एच ए यूनिवर्सिटी से पहले, और इसको चेक भी करते हैं रिंग रोड पर, आपको भी दिखाते हैं कि वो इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बस निकलते हैं, देर काफ़ी हो गई है, जाके चेक चेक कराते हैं, इसको वॉश भी कराना है तो आपको अपडेट करते हैं। तो ये बॉयज़ निकल पड़े हैं, बस रिंग रोड पहुँचते हैं, सबसे पहले इसके जो टेस्टिंग रन्स हैं वो करते हैं कि गाड़ी रात की तरह मिसिंग कर रही थी कि नहीं कर रही थी, कोई कुछ आइडिया नहीं मुझे कि इशू किस चीज़ का आ रहा है, कॉइल्स का आ रहा है या कोई और इशू है, तो बस रिंग रोड पहुँच के आपसे मिलते हैं और आपको भी चेक कराते हैं और खुद भी चेक करते हैं कि भाई रोला है क्या आखिर। लो जी बॉयज, रिंग रोड पे हम पहुंच गए हुए हैं और पहला जो हम इसका टेस्ट है ना वो हम करने वाले हैं 60 के रोल पे, 60 के बल्कि 80 के रोल पे इसको हम पहले टेस्ट करेंगे। बूस्ट बना लिया है, ठीक है जी, पैर दे दिया जाए, ये लो जी, ये लो जी, पहला रन तो आपने देख लिया, गाड़ी वैसी भागी है, पता नहीं क्या सीन है, पहले वाला इशू हुआ ही नहीं है, अभी ये है कि इसका लॉग रिकॉर्ड करते हैं, अगर कोई इशू दोबारा आता है तो वो रिकॉर्डिंग में आसारा आ जाएगा, तो वो भी आपको चेक कराते हैं। अब इसको एक ना लॉन्च करते हैं डिग से,
डिग से बैठ देते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करती गाड़ी। लो जी बॉयज, अब इसका हम चेक करने लगे हैं डिग से कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, क्या सीन है। सर आइडिया तो होना गाड़ी ओके है डिग से भी हर लिहाज से, होंगे कल डिग से भी बहुत मसला कर रही थी गाड़ी, लैग मारती थी बीच में। चलो जी रेडी, ब्रेक बूस्ट हो जाए 5000। लो जी बॉयज, यार गाड़ी अपनी हो चुकी है माशाल्लाह साफ सुथरी, आप चेक कर सकते हो। पप्पू स्कारलेट इज बैक, बहुत गंदी हुई थी, साफ सुथरी करवा ली है, बिल्कुल ओके होगी माशाल्लाह। बस यहाँ से निकलते हैं आगे यूनिवर्सिटी, काम शाम वगैरह हैं, तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग को यहीं पर एंड कर लें। और मुझे मेरे आपने सोनाडो की नई लुक इन्जॉय की होगी, अगर इन्जॉय की है तो नए आइडियाज़ भी दिया करो भाई को कि क्या किस गाड़ी पर किया जाए, तो इंशाल्लाह किया करेंगे। और आज के ब्लॉग करते हैं इंशाल्लाह यहीं पर ही एंड। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, खत्म, बाय बाय, टाटा।